वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रे वायट के रिटर्न के बारे में, और हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एच के रेसलमेनिया 5 के प्लान्स को लेकर, और हम बात करने वाले हैं फास्ट लेन में होने वाले कॉफी किंगस्टन वर्सेस डेलमैन के मैच में हमें किसकी जीत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसके रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रे वायट के बारे में कि यहाँ पर ब्रे वायट की वापसी कब होगी। तो ऐसे कि हम सबको पता है कि ब्रे वायट डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत ही टाइम से नहीं है, मतलब जब मैट हार्डी ने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ी है तब से यहाँ पर ब्रे वायट नहीं दिख रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो बड़ा सवाल यह है कि कब होगी ब्रे वायट की वापसी। तो यहाँ पर रसल वॉर्ड्स ने ब्रे वायट के रिटर्न को लेकर अपडेट दी है, और ये अपडेट है कि यहाँ पर ब्रे वायट अपनी वापसी कर लेंगे रेसलमेनिया 5 से पहले। जी हाँ, ब्रे वायट को कोई ऐसी इंजरी नहीं है इस वक्त कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ना आए, मतलब अभी ब्रे वायट बिल्कुल क्लियर है अपने रिटर्न करने के लिए। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिक्कत आ सकती है ब्रे वायट का रिटर्न करने के लिए, और वो दिक्कत आ सकती है उनकी कोई परफेक्ट स्टोरी लाइन कि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ढूंढ रही है ब्रे वायट के लिए एक परफेक्ट स्टोरी लाइन कि कब उन्हें कोई स्टोरी लाइन मिले ब्रे वायट के लिए, तब वो उनका रिटर्न करवा दे। इन शॉर्ट यहाँ पर रेसल वॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल सकता है ब्रे वायट का रिटर्न रेसलमेनिया 5 से पहले। तो बात करने वाले हैं कॉफी किंगस्टन वर्सेस डैनियल ब्रायन के मैच के बारे में, जो होगा फास्ट लेन के पेपरव्यू में फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप। तो ऐसे कि हम सबको पता है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर इंटरेस्टेड है कॉफी किंगस्टन को पुश देने में, ये हमने एक एलिमिनेशन चैम्बर में और स्मैकडाउन लाइव में देखा। और यहाँ पर ये मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि कॉफी किंगस्टन वर्सेस डैनियल ब्रायन फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप। तो यहाँ पर कॉफी किंगस्टन का पुश अभी चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही चांसेस बन जाते हैं कि यहाँ पर कॉफी किंगस्टन इस मैच को जीत सकते हैं। यहाँ पर अगर वो जीत गए तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप का जो रेसलमेनिया का कॉम्प्लेक्शन है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डैनियल ब्रायन अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे फास्ट लेन के पेपरव्यू में। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डैनियल ब्रायन हरा देंगे कॉफी किंगस्टन को फास्ट लेन के पेपरव्यू में, और रिटेन कर लेंगे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप। तो हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एच के रेसलमेनिया 5 के प्लान्स को लेकर। जैसे कि हम सबको पता है कि हमें ट्रिपल एच का मैच हर रेसलमेनिया में देखने को मिलता है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि इस बार भी होगा। बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कौन होगा ट्रिपल एच का अपोनेंट रेसलमेनिया 5। तो यहाँ पर कुछ ही हफ्ते पहले एक बहुत ही तगड़े वाली रिपोर्ट्स आने लगी थी कि यहाँ पर डीन एम्ब्रोस वर्सेस हमें ट्रिपल एच देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 5 में, क्योंकि यहाँ पर डीन एम्ब्रोस अगेंस्ट अथॉरिटी हो गए थे उस वक्त, तो इसलिए यहाँ पर ये रूमर्स आ रहे थे कि ट्रिपल एच वर्सेस डीन एम्ब्रोस। लेकिन यहाँ पर जब से डीन एम्ब्रोस बने हैं फेस पर और जब से उनका फेस टर्न हुआ है तब से इस मैच के रूमर्स बहुत ही कम हो गए हैं। तो मतलब अगर डीन एम्ब्रोस नहीं हुए ओपोनेंट तो कौन होगा ट्रिपल एच का ओपोनेंट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई डॉक्टर्स ने यहाँ पर ट्रिपल एच को क्लियर नहीं किया है रिटर्न करने के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि क्राउन ज्वेल में ट्रिपल एच को हो गई थी इंजरी, और ये इंजरी ठीक भी हो गई है लेकिन 100% ठीक नहीं हुई है, ये मानना है डॉक्टर्स का। मतलब अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई डॉक्टर्स ने यहाँ पर ट्रिपल एच को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है अपने रिटर्न करने के लिए मैच लड़ने के लिए, और पॉसिबिलिटी है कि वो क्लियर कर भी देंगे। लेकिन यहाँ पर ओपोनेंट कौन होगा, तो यहाँ पर एक ही ओपोनेंट जो आपको पता है कि कौन है, और ये ओपोनेंट है डेव बटिस्टा। और आपको ये बात सुनकर भी खुशी होगी कि यहाँ पर डेव बटिस्टा की बातें चल रही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, मतलब यहाँ पर अभी ट्रिपल एच के लिए दो ओपोनेंट सामने आ रहे हैं, पहला तो है डीन एम्ब्रोस, दूसरा है डेव बटिस्टा। तो मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बताइए कि आप कौन सा ओपोनेंट देखना चाहते हैं ट्रिपल एच का रेसलमेनिया 5 में, डीन एम्ब्रोस या फिर डेव बटिस्टा। तो यदि आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें। We'll be right back.